हाय फ्रेंड, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी इंजन को जो है कैसे हम लोग ठंडा रखते हैं। कि ये देखिए, पहले जो है रेडिएटर में वाटर और कूलेंट जो है हम लोग मिला देते हैं। इसके बाद जब इंजन चलने लगता है तो रेडिएटर के थ्रू जो है, ये देखिए इस तरह से जो है, जब इंजन चलता है तो वाटर रेडिएटर के थ्रू जो है, वाटर पम्प जो है, इस तरह से जो है इंजन के अंदर जो हमारा सिलेंडर लाइनर या स्लीव लगा होता है उसके चारों तरफ ये घूमता हुआ जो है, ये देखिए जहाँ पे नाजल और हेड के ऊपर जो स्लीव ये सभी लगे होते हैं उसको ठंडा करते हुए जो है वो धीरे धीरे जो है कूलेंट पूरे बॉडी को जो है ठंडा करता है। और ठंडा करने के बाद जो है वो धीरे धीरे ऊपर होते हुए जो है ये रेडिएटर में चला जाता है। तो इस तरह से जो है इंजन को जो है ठंडा किया जाता है, क्योंकि रेडिएटर में जब जाता है तो उस हिसाब से कूलिंग होता है। और अगर जब रेडिएटर में कूलेंट अगर कम हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, ये ओवरहीट होने लगता है। ओवरहीट होते हुए इंजन जब चलता है तब देखिए इस तरह से जो है पिस्टन जो है हमारा सीज हो जाता है और इंजन चलना जो है बंद हो जाता है। तो इस तरह से जो है इंजन हमारा सीज भी होता है। इसलिए कूलेंट बहुत ही ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम जो है उसको चेक कर लेना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक सब्सक्राइब, हो सके तो दोस्तों को